सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके अध्यापिका आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सब हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पार्ट 9 को प्रारंभ करेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी, जिसका नाम है बंदर मामा, जो बहुत अच्छी है और आपने पहले भी सुनी होगी, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम कविता को सुनते हैं। बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ले पर जी ललचाया मुँह में रखा कब से, रसगुल्ले पर जी ललचाया मुँह में रखा कब से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, फेंकी टोपी फेंका जूता तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो बताइए बच्चों, बंदर मामा क्या खाने गए थे? दावत है ना? मामा हम किने कहते हैं? मम्मी के भाई को। बच्चों, आप सब ने अपने घर के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी देखे होंगे। तो बताइए बच्चों, कौन कौन से पशु पक्षी आपने देखे हैं? हाथी, गाय, मोर, चिड़िया, बंदर। कुछ पशु पक्षी पेड़ पर भी देखे होंगे आपने। तो बताइए बच्चों, पेड़ पर आपने कौन कौन से पशु पक्षी देखे हैं? चिड़िया, उल्लू, बंदर, गिलहरी। बिल्कुल सही। तो बच्चों, बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ की डाल पर रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती है। और गिलहरी कहाँ रहती है? गिलहरी पेड़ के खोल में रहती है। तो बच्चों, आपने बंदर को बहुत सारी चीज़ें खाते हुए देखा होगा। तो बताइए बच्चों, बंदर क्या क्या खाता है? केला, संतरा, खीरा है ना? और बंदर की पूंछ कैसी होती है? लंबी। गिलहरी क्या खाती है? मूंगफली, बीज, फल। तो बच्चों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे पशु पक्षियों के बारे में क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 बंदर और गिलहरी के बारे में जानेंगे।
कहानी को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कहानी का आनंद लेंगे। मैं आज आपको इस कहानी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में बताऊंगी, जैसे छोटी पूंछ वाले जानवर, लंबी पूंछ वाले जानवर, उछल कूद करने वाले जानवर, पेड़ पर रहने वाले जानवर और साथ में एक ही मात्रा वाले शब्दों को सिखाऊंगी और इन सब से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आप सब अपने अध्यापिका के साथ पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पाठ का आनंद लेंगे।